आज के क्लास में हम HTML से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। जब हमने कंप्यूटर नेटवर्क के MCQs किए थे तो वहाँ पे भी हमने कुछ HTML के बेसिक क्वेश्चंस वहाँ पे देखे थे। आज के क्लास में हम कुछ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। अब यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है आपका वो है HTML स्टैंड्स फॉर, सिंपल सा क्वेश्चन है, फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हु इज द फादर ऑफ HTML? टिम बर्नर्स ली। इनपुट इज, अब इनपुट क्या है, ए फॉर्मेट टैग, एन एम्प्टी टैग, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ द अबव? तो इनपुट आपका क्या है, एक एम्प्टी टैग है। हाउ टू क्रिएट ए चेक बॉक्स इन HTML? ये सारे क्वेश्चन अगर आपने लास्ट की दो क्लासेस देखी हैं जिसमें हमने HTML टेबल्स, HTML फ्रेम एंड HTML फॉर्म्स के बारे में बात की है, तो उन्हीं से रिलेटेड आज के ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, चेकबॉक्स आप कैसे क्रिएट करते हो, ऑप्शंस चार आपके सामने गिवन है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू चेकबॉक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू डिफाइन ऑप्शंस इन ए ड्रॉप डाउन सिलेक्शन लिस्ट? अब यहाँ पे देखो, सिलेक्ट, लिस्ट, ड्रॉप डाउन और ऑप्शन, बी और सी यहाँ पे गलत है। तो या तो आप ऑप्शन ए करके आओगे या फिर आप ऑप्शन डी करके आओगे, क्योंकि सिलेक्ट एंड ऑप्शन दोनों ही टैग यहाँ पे ड्रॉप डाउन के अंदर यूज होते हैं। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ो, क्या पूछ रहा है, ऑप्शंस को डिफाइन करने के लिए, तो इसके लिए आपका ऑप्शन टैग यहाँ पे यूज होता है। HTML टैग्स आर इनक्लोज्ड इन एंगुलर ब्रैकेट्स, एंड एंगुलर ब्रैकेट्स का सिंबल है डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू एड हेडर इन द टेबल? हेडर को कैसे ऐड करोगे? तो यहाँ पे देखिए, ये आपका टेबल डेटा के लिए है, ये टेबल हेडर के लिए है, ये टेबल रोज के लिए है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज यूज टू प्रोवाइड ए यूनिक नेम टू एन एलिमेंट? देखो क्या करना है आपको, एक यूनिक नेम अगर आपको प्रोवाइड करवाना है तो कौन सा टैग यूज करेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, आईडी टैग। Which of the following HTML tag is used to display the text with scrolling effect? किसके लिए यूज करना है हमें, स्क्रॉलिंग इफेक्ट के लिए। ऑप्शन आपके सामने मार्क्यू, स्क्रोल या DIV। कौन सा टैग आप यूज करोगे, तो यहाँ पे मार्क्यू ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। यहाँ पे जो आपका मार्क्यू टैग है वो क्या है, वो आपकी टेक्स्ट या इमेज को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली स्क्रॉल करने के लिए यूज होता है। आप इससे अपने इमेज को या टेक्स्ट को अप डाउन लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में क्या कर सकते हो, स्क्रॉल कर सकते हो, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये स्क्रॉल करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटेनर फॉर TR, TH एंड TD? डेटा, टेबल, ग्रुप, ऑल ऑफ द अबव? तो ये जो तीन यहाँ पे टैग यूज हो रहे हैं, इन ये किसके अंदर यूज होते हैं, तो ये टेबल्स के अंदर यूज होते हैं, तो ये टेबल इसका कंटेनर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू स्टार्ट एन ऑर्डर्ड लिस्ट विद द काउंट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू 4? क्या करना है, ऑर्डर्ड लिस्ट करना है, तो क्या टैग यूज करोगे, OL यूज करोगे, न्यूमेरिक वैल्यू 4, मतलब कि हमें नंबरिंग करनी है, तो टाइप में क्या दोगे आप, टाइप में 1 दोगे, उसके बाद इनिशियल वैल्यू भी, स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर दी गई है 4, तो इसके लिए क्या यूज करोगे आप, स्टार्ट इज इक्वल्स टू 4, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग HTML एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन इनलाइन स्टाइल्स? इनलाइन स्टाइल्स के लिए आप क्या यूज करते हो, स्टाइल, टाइप, क्लास या नन, तो स्टाइल हम यहाँ पे यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू क्रिएट ए कॉम्बो बॉक्स या ड्रॉप डाउन बॉक्स? लिस्ट, सिलेक्ट, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू ड्रॉप डाउन या UL? तो यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन के लिए आप यूज करोगे वो है सिलेक्ट, और इनमें ऑप्शन देने के लिए क्या यूज करते हो आप, सिलेक्ट के साथ ऑप्शन।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द फॉर्म टैग? अब फॉर्म टैग के एट्रीब्यूट्स है मेथड, एक्शन, बोथ या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे बोथ रहेंगे एंड इन दोनों के बारे में डिटेलिंग में हमने इस क्लास में बात की है। What is DOM in HTML? Document Object Model. Language Dependent Application Programming. Hierarchy of Objects in ASP.NET. Application Programming Interface. Convention for Representing and Interacting with Objects in HTML. Document. तो ये DOM क्या है आपका? ये है Conventions for Representing and Interacting with Objects in HTML. Document. इन विच पार्ट ऑफ द एच टी एम एल मेटा डेटा इज कंटेन्ड? मेटा डेटा क्या होता है? मतलब डेटा अबाउट डेटा किस पार्ट में होता है? ये हेड टैग, टाइटल टैग, एच टी एम एल टैग या बॉडी टैग। तो हम मेटा डेटा लिखते हैं हेड टैग के अंदर। विच एलिमेंट इज यूज टू गेट हाईलाइटेड टेक्स्ट इन एच टी एम एल 5? यू, मार्क, हाईलाइट और बी। यू अंडरलाइन के लिए है, बी बोल्ड के लिए है, तो इन दोनों में से एक ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हाईलाइट का मतलब क्या है यहाँ पे? कि जैसे मैंने अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर दिया, तो इसी के लिए आप कौन सा टैग यूज करते हो? मार्क टैग हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एच टी एम एल 5 टैग? ट्रैक, वीडियो, स्लाइडर और सोर्स। तो यहाँ पे HTML5 में स्लाइडर कोई भी टैग नहीं होता। Which of the following in HTML5 defines video or movie content? वीडियो के लिए आप यूज करते हो वीडियो टैग, ऑडियो के लिए आप यूज करते हो ऑडियो टैग, एंड ये वीडियो और ऑडियो दोनों किसके अंदर यूज होते हैं? मीडिया टैग के अंदर यूज होते हैं। विच एलिमेंट इज यूज फॉर और स्टाइलिंग एच टी एम एल 5 लेआउट? सी एस एस, जे क्वेरी, जावा स्क्रिप्ट, पी एच पी। स्टाइलिंग के लिए क्या यूज करते हो आप? सी एस एस, कास्केडिंग स्टाइल शीट। इन एच टी एम एल विच एट्रीब्यूट इज यूज टू क्रिएट ए लिंक दैट ओपन्स इन ए न्यू विंडो टैग? क्या करना है हमें? जो भी आप लिंक पे क्लिक करोगे वो एक नई विंडो में ओपन होना चाहिए, इसके लिए आप कौन सा एट्रीब्यूट यूज करोगे? एस आर सी इज इक्वल्स टू ब्लैंक, ऑल्ट इज इक्वल्स टू ब्लैंक, टारगेट इज इक्वल टू सेल्फ या फिर टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा, टारगेट इज इक्वल्स टू ब्लैंक। विच एच टी एम एल एलिमेंट इज यूज फॉर शॉर्ट कट? ई एम, एब्र, क्यू, ब्लॉक कट। ई एम का मतलब होता है एम्फेसिस, एब्र का हो गया एब्रीवेशन, क्यू मतलब कोट एंड ब्लॉक कोट मतलब कि एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को आप क्या कर रहे हो? कोटिंग दे रहे हो। तो यहाँ पे शॉर्ट कट की बात हो रही है एंड शॉर्ट कट के लिए आप यहाँ पे यूज करोगे क्यू टैग। क्या यूज करेंगे हम? क्यू टैग को यूज करेंगे। विच एच टी एम एल एलिमेंट इज यूज फॉर एब्रीवेशन और एक्रोनियम? एब्रीवेशन के लिए हम यूज करते हैं एब्रीवेशन टैग ए डबल बी आर, एम्फेसिस के लिए यूज करते हैं ई एम टैग, ब्लॉक में जो लाइनें लिखी हुई है उनको कोट देने के लिए आप यूज करोगे ब्लॉक कोट। वट इज द वर्क ऑफ एड्रेस एलिमेंट इन एच टी एम एल 5? कंटेन्स आई पी एड्रेस, कंटेन्स होम एड्रेस, कंटेन्स यू आर एल, कंटेन्स कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर ऑथर्स। यहाँ पे जो एड्रेस एलिमेंट है वो क्या करता है? कंटेन्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर ऑथर। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू क्रिएट ए टेक्स्ट एरिया इन एच टी एम एल फॉर्म? ऑप्शन चार आपके सामने मैंशन है, तो आप क्या यूज करोगे? तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, टेक्स्ट एरिया स्टार्ट एंड टेक्स्ट एरिया क्लोज। ये जो थर्ड यहाँ पे है इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, ये भी यहाँ पे गलत रहेगा, डी भी ऑप्शन गलत है, बी भी यहाँ पे गलत है। टू शो डिलीटेड टेक्स्ट विच एच टी एम एल एलिमेंट इज यूज? ये जो दो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, एच टेट में भी काफ़ी पूछे गए हैं प्रीवियस के पेपर में। तो यहाँ पे देखो ये पूछ रहा है कि जो हम एच टी एम एल एलिमेंट के अंदर अगर कोई टेक्स्ट को डिलीट कर दे तो आप कौन सा टैग यूज करोगे, मतलब आप वो डिलीटेड टेक्स्ट को देखना चाहते हो
तो यहाँ पे डी ई एल डेल टैग यूज करोगे। एंड क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जब हम HTML में ये डिलीट टैग अगर यूज करते हैं तो जो डिलीटेड टेक्स्ट है वो कैसे दिखाई देगा, तो वो दिखाई देगा टेक्स्ट के बीचों बीच से एक लाइन पास होगी और इसका मतलब क्या है, ये टेक्स्ट आपका डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से आपका टेक्स्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। टू शो इंसर्टेड टेक्स्ट विच HTML एलिमेंट इज यूज्ड, अब यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा टेक्स्ट इंसर्ट हुआ है, तो इसके लिए आप टैग यूज करोगे INS। और इंसर्टेड टेक्स्ट कैसे शो होगा, तो जो टेक्स्ट है उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगी, ये इसका मतलब क्या हुआ, ये टेक्स्ट आपका इंसर्ट हुआ है, बीच में से लाइन पास हो जाए, स्ट्राइक थ्रू हो जाए, तो मतलब वो टेक्स्ट डिलीट हुआ है। यहाँ पे स्ट्रोंग क्या होता है, स्ट्रोंग आपके टेक्स्ट को थोड़ा और बोल्ड लुक देता है, जैसे बी बोल्ड करता है उससे थोड़ा और ज्यादा इंप्रेशन देता है आपका स्ट्रोंग टैग। विच एट्रीब्यूट इज नॉट असेंशियल अंडर आई फ्रेम, फ्रेम बॉर्डर, विड्थ, हाइट और SRC। तो आई फ्रेम के अंदर या फ्रेम की बात करें, ये आई फ्रेम टैग है, तो फ्रेम बॉर्डर असेंशियल एट्रीब्यूट नहीं है, SRC कंपल्सरी है। विच वर्क्स सिमिलर टू बोल्ड एलिमेंट, तो ये अभी मैंने बताया स्ट्रॉन्ग टैग बोल्ड की तरह ही काम करता है। Which of the following is an HTML specification used to add more information to HTML tags? Modifying data, mini data, macro data and micro data. ज़्यादा information की बात हो रही है तो micro data, कम information की बात हो तो mini data. Which HTML element is used for YouTube videos? SAMP, small, फ्रेम या आई फ्रेम। तो यहां पे कौन सा एलिमेंट आप यूज करोगे, आई फ्रेम। विच ऑफ द फॉलोइंग HTML एलिमेंट इज यूज्ड फॉर कैनवस ग्राफिक्स, CSS, पेंट, कैनवस एंड ग्राफिक्स, नाम से भी आप देख सकते हो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट रहेगा। व्हाट इज HTML? HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ ए वेब पेज। HTML is the standard markup language mainly used to create web pages. HTML consists of a set of elements that help the browser how to view the content. तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा, ये तीनों बातें ही HTML के लिए सही है। Headings of table lies inside T-head, T-foot, TH और T-body. यहाँ पे हेडिंग्स लाई करती है आपकी टी हेड के अंदर, और अगर फुटर की बात हो जाए तो टी फुट के अंदर लाई करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट एसोसिएटेड विद HTML टेबल लेआउट, साइज, स्पैनिंग, अलाइनमेंट और कलर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा, कलर। बॉर्डर स्पेसिंग इज गिवन इन पिक्सल्स, सेंटीमीटर, mm या इंच, तो पिक्सल ऑप्शन करेक्ट है। बॉर्डर्स कांट बी अप्लाइड ऑन TH, TD, TR और T head। अब बॉर्डर्स किस पे अप्लाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आप TR टेबल रो के ऊपर बॉर्डर्स अप्लाई नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट स्पेसिफाई ए कॉलम विड्थ, फिक्स्ड, परसेंटेज, प्रोपोर्शनल या पिक्सल। तो फिक्स्ड, परसेंटेज और प्रोपोर्शनल ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है कॉलम विड्थ को स्पेसिफाई करने के लिए, पिक्सल यहाँ पे रॉन्ग रहेगा। वी अलाइन एट्रीब्यूट डजंट टेक द वैल्यू जस्टिफाई मिडल बेस लाइन और बॉटम। तो यहाँ पे जस्टिफाई कोई वैल्यू नहीं होती वी अलाइन एट्रीब्यूट के अंदर। विच एलिमेंट ग्रुप्स रिलेटेड कंटेंट टूगेदर, ए साइड, फुटर, सेक्शन और DIV। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है ए साइड, अब ये ए साइड टैग या ए साइड एलिमेंट का क्या काम होता है HTML के अंदर, तो ध्यान से सुनिए। ए साइड एलिमेंट का काम होता है कि ये रिप्रेजेंट करता है ए पोर्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट हुज कंटेंट इज नॉट
इनडायरेक्टली रिलेटेड हुज कंटेंट इज ओनली इनडायरेक्ट रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट्स मेन कंटेंट। ए साइड एलिमेंट का काम क्या होता है कि डॉक्यूमेंट का वो पोर्शन शो करना जो डॉक्यूमेंट के मेन कंटेंट से इनडायरेक्टली रिलेटेड है, वो क्या करेगा, ए साइड एलिमेंट शो करेगा। ठीक है, ज़्यादातर जो एसाइड होते हैं, एलिमेंट होते हैं, वो साइड बार या कॉल आउट बॉक्सेस को प्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आई। और जो आपका एक टैग है यहाँ पे डीआईवी, डीआईवी क्या करता है, डीआईवी टैग और सेक्शन टैग, ये क्या करेंगे, आपके डिवीजन और सेक्शन के लिए यूज होता है। डीआईवी टैग क्रिएट्स डिवीजन इन द वेब पेज एंड सेक्शन जो है आपका क्रिएट्स सेक्शन इन द वेब पेज। इतना हमें समझ में आया। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विच एलिमेंट ग्रुप्स रिलेटेड कंटेंट टूगेदर, रिलेटेड कंटेंट की बात हो रही है तो सेक्शन यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एंड फुटर टैग का काम क्या है वो आप इजीली समझ सकते हो कि फुटर क्या करेगा। तो फुटर आपका जो आपके पेज के नीचे जो कंटेंट प्रेजेंट होता है उसको हम फुटर बोलते हैं एंड उसी के लिए आपका फुटर टैग यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। तो ये थे हमारे HTML से रिलेटेड आई थिंक 40 कुछ MCQs थे, 20 या 20 से प्लस हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये सारे हमने HTML से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs देखे, प्रैक्टिस करते रहना। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कभी भी, किसी भी टाइम आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।